आज है लास्ट डे हमारा मुन्नार में, और मिस्टर झा जो है पैकिंग करना शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ से हम लोग जो है 12 बजे चेकआउट कर जाएंगे और हमारी रात की ट्रेन है। देखते हैं क्या करते हैं। और उन लोगों ने जो है हमें गिफ्ट दिया है, ये यहाँ का प्लांट वगैरह ले जाने के लिए, मुझे बहुत पसंद आया था तो उन्होंने मुझे दिया, तो मैं वहाँ लगाऊंगी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ना दिल खुश हो गया। इस तरह से प्यार इन्होंने दिया हमें तो बहुत अच्छा लगा। और बस ये सब पैकिंग करनी है, और लास्ट टाइम जो है मैं आप लोगों को ये खूबसूरत जो वादिया है वो एक बार फिर से दिखा देती हूँ, तो बहुत खूबसूरत लगता है। इस चीज़ को तो मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। वैसे तो हम लोग बोल के ये जा रहे हैं अब केरला का ट्रिप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत हो गया, अब दूसरे दूसरे जगह को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत थी, तो कभी इन केस कभी मौका मिला तो ज़रूर आएंगे यहाँ रहने के लिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था ये जगह, बहुत खूबसूरत यादें हैं हमारी, तो बहुत अच्छा लगा। अब जल्दी से मैं भी मिस्टर झा को हेल्प कर देती हूँ पैकिंग में, और जिससे कि जल्दी पैकिंग हमारा डन हो जाए, हम लोग यहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड करें। अभी सुबह के हो रहे हैं 8, तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, लेकिन हम चाहते हैं पैकिंग वैकिंग करके डन कर ले ब्रेकफास्ट जाके। तो अभी हम लोग नहा वहा के फ्रेश होके अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और उसके बाद थोड़ी देर रुकेंगे, फिर यहाँ से 11:30 हम लोग चेकआउट कर जाएंगे। चलो ही हो जल्दी से। तो आज के ब्रेकफास्ट में है वेज समोसा, और इतना क्यूट क्यूट सा लग रहा है ये समोसा। डोसा भी है छोटा वाला, छोटी डोसी। और ये है सांभर, ये तो रहता ही है रोज। दाल करी और पकवान, ये भी बहुत टेस्टी था। और इसके अलावा है पुट्टू, पुट्टू भी बहुत टेस्टी होता है। कडाला करी, और फाइनली आज आलू पराठा है, तो मैं आलू पराठा ही खाऊंगी। और ये है स्टीम बनाना, और मैंने लिया है आलू पराठा, दाल, और ये छोटा वाला समोसा, वेज समोसा। देखते हैं खा के कि कैसा होता है। छोटी वेज समोसा खाओगी तुम? हाँ, मेरा भी ब्रेकफास्ट आया है, तुम खाओ अपना। तुम लगा रही हो ना, लगाओ जल्दी से। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। यहाँ से भी व्यू मैं आपको रोज ही दिखाती हूँ, आज फिर लास्ट टाइम दिखा रही हूँ कि इसका व्यू कितना खूबसूरत है। यहाँ से भी बहुत खूबसूरत लगता है, और मैंने सोचा था कि टाइम मिलेगा अगर तो मैं उस डैम में फिर से जाऊँगी, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत जो है शॉपिंग भी करनी है, मसाला वगैरह की, चॉकलेट वगैरह की। तो देखते हैं, अभी लगता है कि हम लोग जो है यहाँ से निकल जाएंगे 1 1.5 आवर में, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा दूँ जाते हुए। अभी जस्ट हम लोग रूम पे निकल रहे हैं, और उसके बाद थोड़ी बहुत जो पैकिंग है वो करेंगे, निकल जाएंगे। और ये देखो, कल मैं आपको दिखाई थी कि यहाँ पे पेंटिंग चल रहा है, तो ये कितना मस्त 3D पेंटिंग इन्होंने किया है, कितना मस्त लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मंकी ने ना हाथ निकाल के टीवी से और मोबाइल देख रहा है किसी का। और ये यहाँ पे बर्ड है, इधर जो है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत था, इन्होंने पेंटिंग किया है। और ये जो मैं आपको कल दिखा रही थी वो ये है, तो बहुत अच्छा आप पेंटिंग करते हो, बहुत सुंदर। और अभी यहाँ पे ये इस तरीके से बैम्बू ट्री है ना, हाँ, तो ये बना रहे हैं। फुल वॉल पे बनाओगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। और हम इस अभिकर्मा को अलविदा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा टाइम बीता हमारा यहाँ पे, सारे स्टाफ इनके बहुत अच्छे थे। तो ये घर है, और ये लोग मसाला सेल करते हैं यहाँ पे, ये पूरा ही मसाला भरा हुआ है, देख सकते हो सारे में मसाला है, वाह। और ये इनका छोटा सा ऑफिस मसालों का ही, कुछ भी मत छुओ ही हो। और ये यहाँ से जो है एक्सपोर्ट भी करते हैं ये लोग। कितना फ्रेग्रेंस, कितना अच्छा आ रहा है ना। Just 2 minutes. Okay.
दिस वन इज स्मॉल एंड दिस इज लिटिल. Okay. तो ये 2000 रुपए किलो है जो कि होलसेल प्राइस है. अदरवाइज जो है आप बाहर जाओगे तो 2500 में आपको ये मिलेगा. तो हम लोग 250 ग्राम यहाँ से जो है इलायची लेके जा रहे हैं. कैसे केजी है? बड़ी इलायची के? ओके. एक काजू दे दो आप. काजू कैसे है? 800? नहीं नहीं, तो ये 860 है. 860 ये वाली बड़ा है, बड़ी वाली. तीन पीस है. तो यहाँ से हम लोग काजू भी लेके जा रहे हैं. क्वालिटी काफी अच्छी है इनकी. 1100 OMG. तो बड़ी इलायची जो है वो 1100 केजी है. 250 ग्राम. हाँ, 250 ग्राम ले लेते हैं. 250 ग्राम हमने जो है बड़ी इलायची ले ली है. और ये सबसे ज्यादा मुझे खपत होता है खाने में. और क्या चाहिए? दालचीनी है यहाँ पे 660 रुपीज का केजी. ओके, ये भी 250 दे दो. तो ये भी हम लोग 200 ग्राम ले रहे हैं. और हमने जो है 100 ग्राम स्टार भी लिया है. दिखाइए आप क्वालिटी काफी अच्छी है. स्टार इसमें डाल दीजिए. और ये ब्लैक ग्रेप्स हमने लिया है. 6 कैसे है ये किलो? 425 का केजी है. तो हम हाफ केजी ले रहे हैं ये. तो हमने ब्लैक पेपर तेज पत्ता भी ले लिया है. तेज पत्ता और यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे जो है वो जीरा हम लोग ले रहे हैं हाफ केजी. 250 ग्राम मम्मी के लिए. कैसे है जीरा भैया? भैया 650. ओके, दे दीजिए. 250 ग्राम सेपरेट. हाँ, 750 टोटल. तो मैं कुछ मसाला और जो है जितना मैंने हमारे लिए लिया उतना ही क्या बोलते हैं मम्मी के लिए ले रही हूँ. और अपनी सासू माँ के लिए भी, मम्मी जी के लिए भी ले रही हूँ. तो यहाँ पे अब उन लोगों का पैक हो रहा है. हाँ, सेम सारा चीज ना आप एक और जगह पैक कर दीजिए. तो ये जावित्री जो है वो 1800 का किलो यहाँ पे मिल रहा है. तो ये भी बहुत महंगा है. मतलब ऑलमोस्ट इलायची के बराबर है ये, है ना? इलायची के प्राइस का ये मिला है. ओह माय गॉड. तो इतना सारा हम मसाला खरीद के लेके जा रहे हैं. इधर भी है तो शायद हमें कार्टून में पैक करवाना पड़े. और मैंने एक वर्जिन कोकोनट ऑयल भी लिया है. मैं सोची थी दो लेके जाऊंगी लेकिन वो 3 मंथ्स तक ही रहता है वर्जिन वाला विदाउट केमिकल. हाँ, हमारा कार्टन में पैक हो रहा है मसाला. सामान होता है मसाला. तो ये देखो, ये जायफल है. ओरिजिनल ऐसा होता है जायफल. इसको ये लोग तोड़ते हैं और उसके बाद जो हमें मार्केट में जो मिलता है वो ये होता है. तो ये अगर ऐसे आप रखोगे तो ये खराब नहीं होता है. ऐसे में इंसेक्ट्स लग जाता है. 550 किलो. 400. ये ओरिजिनल राइट? इसको डायरेक्ट इस पे रब करके. तो एक बिल जो हमने लिया है मसाला उसका बिल आ चुका है. और ये है 3374 रुपीज का ये बिल बना है. और जो सब हमने ली ये क्लो स्टार पेपर जेल हो गया. लेट हो रहा है. ये जेल क्या? जेल ये जो ओ जेल ही. ओके ओके. जीरा बेली लीफ. उसके बाद ये क्या है? कैशियो मेस. और ये गरम मसाला. इतना चीज हमने लिया है. हाँ, अभी दूसरा बिल हमारा आ रहा है. और ये देखते हैं कितने का होता है टोटल. ये आपने ऐड किया? हाँ, ऐड किया. सही है. जो मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया है मसाला. तो हाँ, चले गए बेटा.
ये ऐड कर दीजिए। और जो मैंने मम्मी के लिए लिया है वो भी आ गया, और वो है 1210 का। और भी कुछ ऐड होना है? अच्छा, इसमें ब्लैक पेपर को ये कौन सा है? 4600। ओके ठीक है। तो ये देखिए अंदर ये लोग रहते भी हैं, अंकल आंटी लोग, और बहुत खूबसूरत इनका घर भी है। और इस तरह से ये अपना बिजनेस भी करते हैं, मेहनत करते हैं, और यहीं से अपना सेल करते हैं। सब कुछ है 20 एकड़। ओ माय गॉड, तो इन्होंने अभी बताया कि इनका 20 एकड़ लैंड है पीछे, ये जो आपको दिख रहा होगा। और इधर ही ये जो है पूरा इलायची वगैरह सब का खेती करते हैं, सारे मसालों का। कार्ड है आपका? ओके थैंक यू। तो ये है इनका कार्ड, ये हम बैंगलोर में भी भेज देंगे। अच्छा, भेज दोगे आप? थैंक यू। तो ये हमें बैंगलोर भी भेज देंगे, यहाँ से कुरियर कर देंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये इनका कार्ड है 46। तो ये ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं, और जहाँ भी मार्केट होता है मसालों का, या तो ये वहाँ से लोग इनको कांटेक्ट करते हैं और मंगवाते हैं। इनका काफी बड़ा कारोबार है मसालों का। तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके और जान के कि किस तरह से ये लोग जो है खेती करते हैं इलायची वगैरह सबका, मसालों का। अब हम लोग निकलते हैं, हमारा कार्टन हो रहा है पैक। तो अगर आप केरला आए और मसाला यहाँ का नहीं लेके गए तो क्या ही लेके गए ये एरिया को। ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो वो मेरा कैप रह गया। चलो हाँ थैंक यू, नमस्ते। चलो और ये इनका खूबसूरत सा घर है, देख सकते हो। तो यहाँ पे रुके हैं चॉकलेट क्राफ्ट म्यूजियम गार्डन टी में, और यहाँ पे जो है हमें चॉकलेट और टी चाय पत्ती मिलेगा, लेकिन मैं सिर्फ चॉकलेट लेने के लिए आई हूँ यहाँ पे, और बनाना चिप्स देखती हूँ कैसे है। केजी कैसे बनाना चिप्स केजी? हाँ केजी केजी केजी। तो ये खूबसूरत सा बॉक्स जो है, इसमें ये लोग चॉकलेट करके देते हैं और इसका एक्स्ट्रा अलग से चार्ज भी लेते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी प्यारा लग रहा है ये, और मेरा मन कर रहा है कि यहाँ से मैं अपने लिए जो है एक बॉक्स में चॉकलेट डलवा के लेके जाऊँ। चॉकलेट यूँ खा लेगी और बॉक्स मुझे मिल जाएगा। तो ये बॉक्स का प्राइस जो है, हर टाइप के बॉक्स का अलग अलग चार्जेस है ना? एक ही प्राइस है, छोटे वाले का भी सेम, बड़े वाले का भी सेम। ओ बॉक्स है चॉकलेट का। हाँ तो अभी हम लोग जो है ऊपर चॉकलेट फैक्ट्री जा रहे हैं, चॉकलेट फैक्ट्री में चॉकलेट देखने के लिए कि कैसे ये लोग बनाते हैं। और टी बैग फैक्ट्री भी है, वो जो आप देखते हो टी बैग, वो भी यहाँ पे बनता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ चॉकलेट फैक्ट्री में, चॉकलेट फैक्ट्री में। यस इज इट ओके इफ सी कैप्चर वीडियो? ओके। तो ये है नहीं मैं अंदर नहीं जा रही हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे है ये चॉकलेट फैक्ट्री की मशीन, जैसे जहाँ पे चॉकलेट बनती है, ये बड़ी सी मशीन है। और इस तरह से जो है ये लोग पैक करते हैं, यहाँ पे भी बनती है चॉकलेट। तो ओके देखो देखो ना, और ये पूरा देखिए कैसे बनता है। वाओ, मशीन खरीदने के लिए 6 करोड़ चाहिए है तुम्हारे पास? 6 करोड़ फॉर वन मशीन। एक मशीन का जो प्राइस है फुल सेट का प्राइस? ओके है बैंगलोर में। ओ तो ह्यू को ये मशीन चाहिए बाहर, ये ट्रे चॉकलेट का, इसमें फिल होगा नीचे। और ये देखिए फिल हो गया, ये फिल हो गया, जाएगा मैंने करा था। अब दूसरा आ गया, तैयार। अब ये जाएगा फ्रीजर में, राइट? ये अभी वाइब्रेशन है, इधर वाइब्रेशन में इसका जो एयर निकल जाता है, एयर निकल जाता है। ओके, ये वाइब्रेशन पे अभी डाला गया जिससे कि इसका एयर सारा निकल जाए, उसके बाद जो है इसको
फ्रीजर में डाला जाएगा। इसमें अभी नट्स भी डालेंगे, जैसे अभी बटर स्कॉच इसमें डाल के। अच्छा अच्छा, बटर स्कॉच है ना। ओके, तो इसमें नट्स जा रहे हैं अभी कुछ। इधर से देखो, देखो ना, देखो हिल रहा है चॉकलेट, बस हो गया। इसके बाद 20 मिनट फ्रीजर में जाएगा। क्यों हिल रहा है? 30 सेल्सियस में। क्यों हिल रहा था? पैकिंग में आएगा। नहीं, चॉकलेट का बना नहीं हुआ है, और ऊपर वाले फ्लोर पे जो है इस तरह से हैंड क्राफ्टेड सारा सामान है, हैंडमेड। वाओ, अमेजिंग, खूबसूरत है सारा ही। ये है 980 रुपीज़ का। ये वॉच बहुत ही खूबसूरत है, 1200 का, और ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो सभी चीज़ खूबसूरत लग रहा है, अमेजिंग। हाँ, ये ले सकते हो गिफ्ट। आ रही हूँ। नोच, ये है खूबसूरत सा बोट हाउस। वाओ, अमेजिंग। वो ये है एकदम छोटा वाला जो है 4300 का है, तो काफ़ी कॉस्टली है। और ये वॉच है 3800, ऑलमोस्ट 9। ये कितने का है? क्यूट लग रहा है वो बहुत। पे जो है स्पाइसेस के दाम पूछे जाए, प्राइस पूछे जाए कि कौन सा कैसे है, और फिर मैं बताती हूँ। इलायची, एक्सक्यूज मी, इलायची कैसे है? इलायची कैडमम, हाँ, किलो, केजी, किलो, थ्री क्वालिटीज़ थे, तो फर्स्ट सेकंड थे। फर्स्ट क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी सर 5600, 5000, सेकंड क्वालिटी 4400, एंड थर्ड 3000, ओके। तो ये तो यहाँ पे जो है इलायची जो तीन क्वालिटी में है, एक है 5000 का, दूसरा है 4000 का, और तीसरा क्वालिटी है 3000 का। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो सही है। और देखते हैं यहाँ पे जो है मेरा, ये ज़्यादा बीटर है। तो यहाँ पे मेरा सैंडल मिलता है या नहीं, मुझे चाहिए था वो देखती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए कुछ जो है ले लूँ नेचुरल, तो फेस के लिए। तो ये कस्तूरी टर्मरिक है, ये मैं सोच रही हूँ एक ले लूँ। और उसके बाद जो है मैं सोच रही हूँ एक रोज पाउडर ले लूँ अपने लिए, और एक मैं ले रही हूँ रेड सैंडल, ये तीन। और ये ले रही हूँ मैं मुल्तानी मिट्टी, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा है, तो ये मैं ले लेती हूँ यहाँ से। ओके, ये दे दीजिए मुझे। यहाँ पे जो प्योर हनी मिलता है, इस तरीके से जो है ये बॉटल में भर के देंगे, तो सही है। यहाँ पे मैं चॉकलेट ले रही हूँ कुछ, और ये है जो मैंगो फ्लेवर है, ये इस तरह से पूरा फ्लेवर हो गया ना हमारा। ओके, मिक्स वाला कौन सा है? मेंशन किया है, कोल्ड मिक्स 250 ग्राम, प्लेन मिल्क 150 ग्राम। ओके ठीक है। तो यहाँ से हमारी शॉपिंग हो गई है, और इतना सारा मैंने फेस पैक लिया है यहाँ से। चलो रखती हूँ मैं इसको। तो इतना सारा लगेज है हमारा, और बहुत टफ है इतने सारे लगेज के साथ आपको ट्रैवल करना, लेकिन क्या करें, बच्चों के साथ हो ही जाता है। ठीक है ठीक है। और
इन खूबसूरत वादियों से जो है हम लोग अब जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, और यहाँ से जाने में हमें करीब जो है 5 घंटे लग जाएंगे। और कोची से थोड़ा सा आगे है एर्नाकुलम, जहाँ से हमें ट्रेन लेनी थी, तो ट्रेन अभी हम लोग लेंगे। तो पहुँच चुके हैं, तो सोचे पहले कुछ जो है स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद खाना तो बाद में खाएंगे। तो अभी हम लोग स्नैक्स के लिए एक रेस्टोरेंट में रुके हैं, काफ़ी खूबसूरत ये रेस्टोरेंट है और इसी से अटैच जो है इनका होटल भी है, और होटल का ये रेस्टोरेंट है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत से इन्होंने बनाया हुआ है इसको। और ये जो है प्लेटफॉर्म थीम में है, प्लेटफॉर्म नंबर 3, प्लेटफॉर्म नंबर 4, और ऐसे जो है ना ये इस तरह से पूरा बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और खाना देखेंगे खा के कि कैसा होता है। और ह्यू मैडम फ्रेश होके बैठ चुकी हैं, ह्यू और भूख लगी हुई है तो चॉकलेट खा रही है ना। तो हम लोग सोचे थे कि यहाँ पे भी घूमेंगे लुलू मॉल वगैरह, लेकिन बहुत थकावट हो रही है तो मन नहीं कर रहा है घूमने का। अभी थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। हमने अपने सामान को जो है लगेज रूम में रखवा दिया है, और हम लोग घूमते ही हुए आए हैं। मेरा फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया था, तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई कुछ भी ज़्यादा कुछ, क्योंकि वही सब चीज़ें मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ, वही टी गार्डन एंड ऑल चॉकलेट फैक्ट्री, ये सब घूमते घूमते हम लोग आए हैं। तो बहुत मज़ा आया पूरा रास्ता घूमते हुए आने में। तो सुबह के हम लोग निकले हुए थे 12 बजे के, और अभी जो है 7 o'clock हो रहा है। तो घूमते फिरते आते आते जो है हमें 7 बज गया यहाँ पे, और हमारी ट्रेन जो है वो 9:30 बजे की है। तो वैसे भी हमारे पास अब ज़्यादा टाइम है नहीं, तो लुलू मॉल वगैरह मैं पहले भी घूम चुकी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ही एक ही जगह पे बार बार जाना, और ह्यू जो है वो थक जाती और ज़्यादा, इसलिए हमने उस नहीं यही का घूमे हुए नहीं बैठ रहे। तो इसीलिए यहाँ पे अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, बैठ के खाएंगे पियेंगे, थोड़ा मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, उसके बाद जो है जाएंगे स्टेशन। खाना वो हम जो है यहीं से पैक करवा लेंगे अपना रात का, और उसके बाद ट्रेन में बैठ के मजे से खाएंगे। और ये क्या है? गोभी मंचूरियन, गोभी 65। ओके वाह, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है इन्होंने। वन टी ओनली फॉर मी, वन टी वन कोक। या और फ्रेंच फ्राइज तो बहुत टेस्टी है। अब गोभी 65 देखते हैं कैसा है। ही को मजा आ रहा है।